भिंडी बनने की रेसिपी देखने में जो मेरे नाश्ते में रोज रोज मुझे मिलती है, देख ले अब दिखा देता हूँ मैं कि कैसे बनती है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया यार, मतलब भिंडी रेडी नहीं है और अभी हो रही है। मतलब मैं डायरेक्ट उठा, मैंने देखा अरे मेरे लिए भिंडी बन रही, तो मैं सोचा कि यार मुंह हाथ बाद में धोते, पहले भिंडी दिखा रहे थे कि बन कैसे रही। क्या क्या जलता, पहले प्याज जल गई है भाई, चूल्हा नहीं जला, पहले प्याज जलेगी, सब सारा सामान एक साथ डाल देती हूं, उसके बाद चूल्हा जलाती है। अच्छा तेल भी अब जलेगा प्याज के बाद, तेल जल गया। सारा सामान जो भी था सब जल गया, और अब पैन कितना लगेगा भाई? अब बस इसको हल्के आंच पे ना, स्लो आंच पे ना बस पकने दो। कितने मिनट तक? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट लगेंगे। तो भाई वेलकम बैक टू द न्यू। ये आ गई है भाई, फिर ये उस दिन नहीं आई भाई, की तबीयत खराब हो गई। आप लोगों ने नजर लगा दी, जब ये बोलेगी तो फिर कितनी नजर लगेगी। अभी खाना खाया जा रहा भाई, सारा खाना चट हो गया। ओए, ओए। आ गई भिंडी हमारी भाई बनकर, रोटी जो हमने वो बाहर से मंगाई थी, सब्जी भी हमारे पास। क्या हुआ सुबह आप नहीं खा रही? क्या हुआ? क्या बोला नहीं जा रहा? सुबह की जो निकल रही है भाई, वो अकल दाढ़ निकल रही है। अब अकल दाढ़ अब निकल रही है। मुझे नहीं लगता कि यार लड़कियों की अकल दाढ़ भी निकलती होगी। लड़कियों के पास पहले से अकल होती, फिर अकल दाढ़ क्यों निकल रही है? मतलब अकल दाढ़ पता है क्या, एक वो होता है ना, चलो यार की लड़कियां खुश हो जाएं कि हाँ भाई अकल दाढ़ भी आई भी हमारी, तो अकल दाढ़ इसलिए आ जाती है, वरना उसका दिल भी नहीं करता आने का। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। फटाफट से खाते हैं भाई खाना। निकल गया भाई जूसर, यहाँ पर बनेगा भाई एप्पल का शेक, क्योंकि सुबह से जो भाई बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई जा रही, पता उसने मेरे लिए बना लिया खाना और मैं उसके लिए बना लेता हूँ शेक। क्या मोहब्बत है, अकल दाढ़ मोम भी है, मोम भी शामिल है, क्योंकि मोम मुझे काट के दे रही है सेब। मम्मा अकल दाढ़ आती है लड़कियों को? पता नहीं नहीं आती ना, मुझे तो बोल रहा हूँ अकल दाढ़ पागल बनाती लड़कियों को, लड़कियों के पास नहीं नहीं होती ना। दूध आ गया, क्रीम आ गई, ये सेब आ गया, इधर आओ चीनी, तो मतलब ये चार चीजें धोंगी तो हमारा शेक अच्छा बनेगा। तो पहले जल जाएंगे। हाँ गुड 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 गुड, ये बनेगा पूरा चार गिलास, देखना बगैर मेजरमेंट के बनाऊंगा मैं, मतलब कोई दिखूंगा नहीं कि भाई इतना दूध डालूंगा तो चार गिलास बनेगा। उसके बाद डलेगी भाई क्रीम, मतलब आइडिया। हाँ अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी चीनी, फीटर का ढक्कन से हमारी चीनी निकलती है, बस चीनी हंस पे जाएगा। ये हमने कर दी इसको यहाँ से, ओए ओए जल्दी भाग के जाए बर्फ लेकर आए। एक और ये हो गया भाई हमारा शेक बिल्कुल ही रेडी, बगैर चखे मैं आपको पिलाऊंगा और आपका टेस्ट मैं आपसे पूछूंगा, मतलब इतना मुझे पता है कि बिल्कुल ठीक बनाऊंगा। तीन, एक मॉम, अच्छा मैंने चार बोल दिया था, नहीं 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 मैंने गलती से चार बोल दिया, लेकिन तीन बना दे, एक मॉम का, एक सभा का और एक मेरा। मेरा वाला कौन सा? कोई सा भी लागू, कौन सा चाहिए? मेरे लेता हूँ, ज्यादा वाला मॉम को दे देंगे। बहुत अच्छा है। अच्छा मैं यहाँ बैठ के कर रहा था ब्लॉग एडिट, एडिट भाई भी आ गए, भैया भी आ गया, मम्मा भी आ गए, अचानक से आए पापा भाई भागते हुए भागते हुए। पापा ने सबसे पहले दिखाया मैं शॉपर, पापा चीजें लाए, पापा अपने लिए लेकर आए ये स्केचर्स के शूज, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है। पापा को नाइकी एडिडास के अलावा स्केचर्स अच्छा लगता है। वैसे बुड्ढे लोग जितने भी ना, ओ सॉरी, जितने भी बड़े लोग, मैंने आपकी एज के जितने देखे वो स्केचर्स ही पहनते। अच्छा अच्छा नीचे जो होते हैं, पापा इतनी गर्मी है, मैंने कल के ब्लॉग में मेरे लिए तो ये है, तो गर्मी में जैकेट कौन ले आया? तो ना। हाँ वो तो आई, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुआयना हो रहा है शूज का, शूज कैसे हैं भाई? ये वो वाले लग रहे हैं, वो हम बचपन में पहनते थे ना। पापा ले लें ऐसे शूज, पापा ले लें, पापा ले लें, ले लें, रख दो। आ जाइए, आपका इंतजार था। तीन ऐसा हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यार कि आज जो है ना एक लड़की का रिजल्ट आया है, रिजल्ट। ये कहाँ छुप रही है, कहाँ छुप रही है? ट्यूशन भाग गई, सोई, पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझे पता नहीं लगा। आप ही फारिग नहीं थे, मैं जब खाना खाई तो वहाँ बैठे थे, तो मैं सो गई, तो ट्यूशन चले गए, क्या करूँगा। आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, कह रहे पापा भी आ चुके हैं और सब हैं, सबके सामने रिजल्ट देखेंगे बेटा आपका, जो कि आपने कारस्तानी की है। आओ आओ, आप आ रही हो मॉम, सब आ जाओ, पापा रिजल्ट देखें इसका। बैठो इधर बैठो। हाँ हाँ हाँ, यही रिजल्ट है। इंग्लिश में भाई 19 है, 30 में से 28 लिटरेचर में हो गए, उर्दू में 30, उर्दू में 20 हो गए, मैथमेटिक्स में हो गए 30। ओहो पूरे मार्क्स, जनरल साइंस में है 26 और सोशल स्टडीज में है 27, इस्लामियत में, इस्लामियत का छोड़ो अभी, 17। पापा गया तुमने, एक 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 थोड़ा सा, हाँ इस्लामी मालूम, पापा इस्लामियत में ही शायद हमारे साथ बाहर गई थी कहीं, और मैंने पिटाई हुई, थप्पड़ भी पड़ा, बाहर गई थी ना, है ना, भाभी बर्थडे में,
है सिंधी में 19 परसेंटेज टोटल क्या बनी टोटल मार्क्स होगा इसके भाई 217 ग्रेड इसका बना है ए प्लस परसेंटेज 80 A1 आया मेरा A1 चलो A1 की ताली चलो चलो ये बना अच्छा पप्पे छप्पे हो रहे भाई अब ये अगर बी हो हुआ होता तो फिर ये खुशी नहीं होती चेहरों में टैब लेकर रख लेते पापा एक चीज है इसका टैब ले रहे थे ना सब बोले थे टैब नहीं लो टैब नहीं लो टैब नहीं लो जब मैं सख्ती कर रहा था इस वजह से रिजल्ट अच्छा बना है मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों में सख्ती पेपर के टाइम लाजमी होनी चाहिए ना उनको बाहर लेके जाया जाए ना उनको कुछ खेलने कूदने को दिया जाए उनको सिर्फ पेपर के टाइम बोलो कि पढ़ो 5-6 दिन के तो होते हैं अगर उसमें भी हम सब कुछ करने देंगे बच्चों को तो फिर कैसे मतलब ये अच्छे मार्क्स लाएंगे क्यों अब देखा पहले व्लॉग जाके देख लो कि इसमें सख्ती हो रही थी उस टाइम पे रिजल्ट अच्छा लाई है दरअसल में जो चीजें पड़ी हुई काफी अच्छी सारी तो फरिया को हम दे देते हैं इसमें से एक पापड़ ये वाले जी पापड़ आज के गिफ्ट के लिए ना एक और जी पापड़ ठीक है शायद जूस नीचे पड़े ना एक ये जूस नहीं ये जूस नहीं पीती मैं कौन सा जूस पीना है फिर मैं मार लूंगी और ये बस ज्यादा नहीं चलो वापसी रखो चलो उस दिन में जूस चोरी हुआ अरे ये तो मैंने गिफ्ट दिया इसको मेरी चीज उठा खुद भी उस दिन मैं बोल रही हूं जूस लाइक था ये वाला फ्लेवर कहां गया अबे पकड़ लिया मुझे उस दिन जब मैंने अबे भाग तुझे गिफ्ट मिल गया ना बस ठीक है मिल गया तुझे गिफ्ट मिल गया ये चीजें मेरी नहीं थी सबाई की ही थी काम कर लेते चल ठीक है आज का खाना देख घर में बन रहा है मम से पूछते क्या बन रहा है मम घर में क्या बन रहा है कड़ी चावल वाह तुम्हारा फेवरेट हो गया मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें बाहर कुछ खिला दूंगा आज नहीं चल बाहर चलते हैं हां भाई दोपहर में खा लेगी ना हां हाँ। सोच रहा हूं कि यार काफी टाइम से मैंने इसको मैकडॉनल्ड्स नहीं खिलाया आपने भी देखा होगा ब्लॉग हाँ। तो हम चल लेते हैं फिर मैकडॉनल्ड्स खाने भैया मैं हुसैन और फरिया खोलो गेट अच्छा मैं खोल लेता हूं चलें लैम्बोर्गिनी इधर ही खड़ी रहेगी फरारी में जाएंगे मॉम ने बोला भाई ताजडोन को दे दो कड़ी ताजडोन आपकी फेवरेट कड़ी माशाल्लाह बहुत दिन की बात कड़ी आज कल मिल रही है अरे वेलकम कल पिज्जा नहीं लाया था पिज्जा खाया था वो देसी खाया था भाई अरे थैंक यू एक शख्स का भी और भी बेटे डमाटस मिंडस आ रहा है उसको कॉल की कि भाई आजा भाई अपने घर चले आते हैं पता नहीं बात बात में क्यों यार वो बार बार क्यों चले आते हैं ऊपर बस वो गेम खेलने का शौक है वो गेम खेलता रहता है हाँ आता है नाश्ता करता है फिर आपसे चले आते हैं मैं बोलता हूँ हुसैन कहाँ गया गायब ये कहाँ गए भाग जाओ तुम कब से वेट कर रहे हैं आपका तो अब चलते हैं भाई अपनी रिजल्ट की ट्रीट लेने अब फरिया आपका हो गया ये गिफ्ट सही है ट्रेड भी है गिफ्ट भी है दोनों अब आप गिफ्ट नहीं मिलेगा आप तुम्हें ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा मैंने माधव घर में पहले बोल दिया था ये माधव अपनी खुशी से खिला रहे हैं फरिया वैसे ना मुझे काफी ना इमोशनल कर देती है कि आपनी खुशी से आपनी खुशी से गिफ्ट है मेरी नजर में भी इसकी नजर में भी गिफ्ट होना चाहिए हाँ यार बाद में देखेंगे पर ये हम तंग करे जा रहे हैं कि गिफ्ट नहीं मिलेगा यही गिफ्ट है काफी रश है यार आज तो मिल गई पार्किंग चला उतरा जब हम ट्रीट पे आते हैं तो अंदर बैठ के खाते हैं बाकी अगर रस्ते में अगर कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे होते हैं तो हम टे का भी ले लेते हैं लास्ट गिफ्ट है मेरे ख्याल से ये आखिरी गिफ्ट है अच्छा मजाक कर कौन सा तुमने तुमने दो मैक क्रिस्पी एक मैक चिकन एक मैक रॉयल सबकी मील है पेट भरा हुआ क्या बहुत ज्यादा हो जाता है यार काफी सारे बर्गर्स होते हैं यहाँ पर नंबर देखो 1 लेकिन हम जो है भाई वो अपने लिमिटेड टेस्ट बड्स के ऊपर ही मतलब लेते हैं बर्गर मतलब मैक क्रिस्पी तो मैं खाता हूँ मतलब मुझे वही पसंद है बर्गर्स में बाकी कोई भी नहीं अबे मैं खा लेता हूँ बस तुम लोग बर्गर बच्चे हो ना मैं तो नहीं मुझे देसी खाने का पसंद है अबे तू हमसे बड़ा मम्मी डैडी है देसी बर्गर जिंगर बर्गर होता ये इनवॉइसेस को मुझे समझ नहीं आया आज तक बर्गर चार है ठीक है चार बर्गर हो गए बाकी इतने बड़े बड़े ये पेपर्स होते हैं यार और वो भी दो दो तीन तीन इनका नाम आता है फिर इनका मतलब देखो इतने तो से लिख दो ना ये पेपर शॉर्ट कर दो खत्म पेपर की बचत होगी मुझे नहीं पता यार मैंने कभी काम नहीं किया कर लेना तुम फिर बताना फिर पता चल जाएगा ये दो आ गए टमाटर मेंडस मेरा सेम है बाकी फरिया और भैया का अलग है फटाफट से खाते हैं भाई अपना बर्गर ये तो सीरियस हो जाता है यार मैं आप मजाक भी नहीं कर सकते व्लॉग में ये तो सीरियस हो जाता है यार फनी भी बहुत हो जाता है एक कॉमेडी छोटी सी छोड़ दो बस चुटकुला उसके बाद तो बस चुटकुले वो भी ठंडे चलो घर पेट फुल हो गया सबका अल्हम्दुलिल्लाह यस हल्के की ठंड आ रही है मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली यार मेरा गला खराब ना हो जाए कहीं बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी बहुत ठंडी फिर दोपहर में शेक भी पिया लगता है घर जाके चाय या कावा पीना पड़ेगा देखा बोलो ना छोटा सा चुटकुला छोड़ो बस फिर तमाशा ही हो जाता है बहुत प्यार करते
हाय नींद आ गई कसम से भाई, इतने सैड सॉन्ग लगाए हुए थे इसने, वो भी पता नहीं कौन ही सदी के थे, जो उस दिन इतनी मट्टी से हमने गाड़ी गुजारी थी भाई। ये देखो कैसी चमक रही है, कल साफ हुई है भाई ये सुबह ही सुबह, अंदर से अरे हाँ चाबी तो है ही नहीं, बाहर से देख लो, कल दिखाऊंगा इसके अंदर से। अरे गेट तो खुला ही छोड़ दिया। अरे मॉम खाना वाना खा लिया आपने? नहीं अभी नहीं खाया। पापा सो रहे हैं। अच्छा पापा सो रहे हैं तो खाना ही नहीं खाया, क्या हो गया तुम्हें? कल दांत दर्द कर रहा। खाना खा लिया? इस दाँत से खा जा रहा है, इस दाँत में कुछ भी नहीं है, पर इससे खा रही हूँ ना तो यहाँ का गोश्त ना मुँह में आ रहा है। जो दाँत निकल रही है वो मतलब वो मसूड़ों को तंग कर रही है ना, गाल को तंग है, इतना बड़ा सा दाना हो। तो कल एक काम करते हैं, कल डॉक्टर के चलना ठीक, तो कल डेंटिस्ट के जाना पड़ेगा। जो बड़े अस्पताल वाली ड्यूटी है वो तो मॉम की है, मेरी मॉम मेरी बहुत हेल्प करती है। क्या करें, जाना पड़ता है, क्या करें जाना पड़ता है, रखना पड़ता है ना जब भी। टाइम भी 9:05 हो चुके हैं अभी ना, मतलब सर्दी आ रही है ना, तो दिन छोटे होते जा रहे हैं, रातें बड़ी होती जा रही है, मतलब कि जल्दी ही रात हो जाती है यार। कोशिश यही करा करेंगे यार सर्दियों में जल्दी उठने की कोशिश करें, ताकि हम लोग बार बार घूमे काफी। इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, देखते हैं कल क्या होगा, कल डॉक्टर के जाना, कल बहुत सारी चीजें करनी है यार। बस तो स्टे कनेक्टेड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। कल वाले ब्लॉग को तो बड़ा प्यार दिखाया, तो इस ब्लॉग को भी प्यार दिखाओ। सबसे पहले लाइक किया करो, सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी तबीयत खराब हो रही है। और ऐसा नहीं बोलो भाई, मेरे दर्द ना हो यार, बोलिए मेरे दर्द भी होगा। अच्छा भाई अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, बाय बाय बाय। चलने वाला था मैं, मॉम ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकते कि दो दिन से कड़ी बना रही थी मैं तुम लोगों के लिए। दो दिन से बनाना चाह रही थी, बन भी गई थी, फिर फ्रिज में रखनी पड़ गई, पहले पेस्ट बनाया। चले फिर अब देख ले भाई मॉम की कड़ी की शक्ल। आए कमाल, बस बस चलो दोपहर में खाएंगे बस। तुम दोपहर में जरूर खाना, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि फरी का रिजल्ट होगा आज, इसलिए मुझे नहीं पता था फ्री रिजल्ट आज, और वो ए प्लस लिया ये भी नहीं पता था, इसलिए जाना पड़ रहा है। अगर ए प्लस नहीं लाती तो फिर डंडे भी खिलाते, इसको कड़ी भी खिलाते और थप्पड़ भी खिलाते।